हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। अभी हम लोग देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। देखो, पहले समझ लेना, अभी पूरा का पूरा मैं फिजिक्स का फॉर्मूला आप लोगों का क्लियर करूँगा, ठीक ना। जितना मेरे से हो सकता है उतना आप लोगों का अच्छा से अच्छा रिवीजन करवाऊँगा, ठीक है। अब फिजिक्स का सबसे पहले मैं करवाऊँगा थर्मोडायनेमिक्स, और एक चैप्टर का कम से कम 3 से 4 वीडियो आएंगे जिसका लेवल जितना हो। और इस फॉर्मूला में आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होगा, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स का मैंने 2019 के लिए डाला था 4-5 दिन पहले एग्जाम के लिए, ठीक है। और देखो, लक बोलो या मेहनत बोलो, जो भी आप बोल सकते हो, तुरंत यहीं से एक क्वेश्चन उठ करके आ गया था, 2 कॉपी पेस्ट, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल। तो बस अच्छे से ध्यान में रखना कि कॉन्सेप्ट आपका जो बनाए हैं अब तक वो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, दूसरा फॉर्मूला और तीसरा न्यूमेरिकल सॉल्विंग। अभी तक जितना भी आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे वही काम आएगा और कुछ नहीं। लास्ट में आप लोग रिवीजन कर लेना, रिवीजन किए तो ख़त्म। रिवीजन अच्छा परफेक्ट रखना तो आप, उसके बाद आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता, ठीक ना। और आप लोग कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। और नीट ही है और इंसान निकालता है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अलग प्लैनेट से आते हैं और वो आकर के नीट का एग्ज़ाम निकालते हैं, ठीक है। नीट इंसान निकालता है और आप लोग इजीली निकाल सकते हैं, कुछ नहीं है, मन का डर निकाल दो। अभी टाइम है रिवीजन का, अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। तो अभी वॉल्यूम कम आ रहा होगा क्योंकि लाइब्रेरी में मैं बैठ के शूट कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए। तो चलो हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। तो एक चैप्टर्स का 3-4 वीडियो आएगा, छोटा छोटा करके मैं डालूंगा, ठीक है। इसमें बताना था इसलिए 2 मिनट पहले मैंने बताने में ले लिया। नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसका डायरेक्ट स्टार्ट होगा जहाँ से इसका ख़त्म है। अगर आइसोबारिक से ख़त्म है, या आइसोबारिक प्रोसेस वर्क डन QP समझा के यहाँ से ख़त्म है स्पेसिफिक हीट के बारे में, तो नेक्स्ट इसके बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा। कुछ नहीं बताऊंगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये रिविज़न चल रहा है फॉर्मूला का, फिजिक्स का पूरा मेरे ऊपर छोड़ दो। केमिस्ट्री बायोलॉजी तो करवा ही दिया हूँ जितना करवा सकता था, फिजिक्स सिर्फ जितना बताता हूँ, फॉर्मूला, NCERT, न्यूमेरिकल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, और मेरे एग्जाम के क्वेश्चन जो मैं एग्जाम लेता हूँ उसमें क्वेश्चन अपलोड करता हूँ वो क्वेश्चन। इसके अलावा HC वर्मा, DC पांडे और हेलिडे रेसनिकवाकर, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो भी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, ठीक है, ईजिली बन जाएगा आप लोगों का क्वेश्चन। तो पहले थर्मोडायनेमिक में जीरोथ लॉ पढ़ लेना, जीरोथ लॉ इंपॉर्टेंट है, जीरोथ लिखते चलना। बहुत चीज़ें मैंने लिख दिया है कि वो चीज़ आप लोगों को पढ़ना होगा, ठीक है, तो उस चीज़ों को लिखते चलना। और एक पेज में मैं पूरा थर्मोडायनेमिक्स फिनिश कर दूंगा। फिर आता है हीट, डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू म्यू इंटू सी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मीन्स चेंज इन टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, प्रेशर कॉन्स्टेंट रखेंगे तो डेल्टा क्यू इक्वल टू म्यू इंटू सी पी इंटू डेल्टा टी। वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रखेंगे तो म्यू इंटू सी वी इंटू डेल्टा टी, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रखेंगे तो। अभी यहाँ से 2 चीज उठ करके आया, CP एंड CV, ठीक है, तो ये आप लोग लिखो एक जगह और इसका फॉर्मूला निकालना। मैंने भी बताया सारा कुछ, पर यहाँ पे नहीं है, पर यहाँ पे आप लोग इसका वैल्यू भी लिख लेना, ठीक है। हर एक प्रोसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हो जाएगा, आएगा नीचे। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एन आइडियल गैस एज देयर इज नो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, तो हम लोगों का पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0 हो जाएगा। U = UK = 3/2 μRT, ये एनर्जी है। एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, डेल्टा मीन्स चेंज होता है, ठीक है, और DU होता है, इसका मतलब स्मॉल चेंज होता है, ठीक है, बेसिक चीज़ें। डेल्टा यू इक्वल टू 3/2 μR × ΔT, सब चीज़ कॉन्स्टेंट है, सिर्फ टेम्परेचर आपको वेरिएबल देगा, टी फाइनल और टी इनिशियल, ठीक है। इन केस वाट एवर बी दी प्रोसेस, डेल्टा यू इक्वल टू μF/2R × ΔT, कोई भी प्रोसेस हो, ठीक है, आप लोगों का ये फॉर्मूला उठाना लगा देना, इजिली सॉल्व हो जाएगा। इन केस वाट एवर बी दी प्रोसेस, डेल्टा यू इक्वल टू μF/2 × R × ΔT = μC V × ΔT = μR/γ, गामा इंपॉर्टेंट है, गामा से क्वेश्चन पूछा जा सकता, वो CP CV से ही गामा आता है, ठीक है, △T = μRT, T final - T initial / γ − 1, ठीक है। थोड़ा स्पीड में जा रहे होंगे और बहुत स्टूडेंट सोच रहे हैं ये गामा क्या है, ये CP क्या है, ये CV क्या है, तो यार ये सब अभी नहीं बताने वाला। अगर ये सब जानना है तो लेक्चर उठा लो, लेक्चर उठा करके देख लो, ठीक है। ये रैपिड रिवीजन है, जितना फास्ट मैं करवा सकता हूँ, जो पढ़ के आ रहे हैं उन्हें मालूम है कि गामा क्या है, और गामा इक्वल टू CP/CV होता है कि CV/CP होता है, और R क्या होता है, ठीक है, CP − CV = R होता है कि क्या होता है, ये सब कुछ आपको मालूम है। वर्क W, डेल्टा W, DW = F×dx = P×A×dx = P×dV, ठीक है, एरिया × dx
वॉल्यूम में कन्वर्ट हो गया डब्ल्यू इक्वल टू वी फाइनल इंटू वी सॉरी अपर लिमिट वी फाइनल लोअर लिमिट वी इनिशियल पी इंटू डी वी इक्वल टू पी इंटू पी प्रेशर है याद रखना वी फाइनल माइनस वी इनिशियल प्रेशर इंटू वॉल्यूम है व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट तो वर्क डन हमेशा एरिया निकालना जो ग्राफ से एक क्वेश्चन आने वाला लिख लो नीट 2019 सॉरी 20 नीट 2020 में एक ग्राफ से मे भी एक क्वेश्चन आ जाए कन्फर्म नहीं हूँ पर एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि ग्राफ से पूछ देगा क्योंकि 2017 में ग्राफिकल क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में ग्राफिकल क्वेश्चन पूछा गया था वो एक क्वेश्चन था जिसको ग्राफ से भी आप लोग सॉल्व कर सकते थे थर्मोडायनेमिक्स का ठीक है हाँ विदाउट ग्राफिकल नहीं कॉन्सेप्ट बैठ पाता कॉन्सेप्ट याद रखना ग्राफ का वर्क डन इक्वल टू ये समझ में आ गया ना जो एरिया निकाल दिया वही आप लोगों का वर्क डन हो गया फिर आ गया इसका ट्रेपीजियम वर्क डन इक्वल टू वी टू वी वन पी इंटू डी वी वी टू माइनस वी वन वर्क डन इक्वल टू जीरो कब होगा ये वॉल्यूम इज कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्क डन जीरो होगा अब वॉल्यूम किस प्रोसेस में कांस्टेंट होता है आइसोबारिक प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस या एडियाबेटिक प्रोसेस ये कॉमेंट बॉक्स में बताओ इसी को तो रिविजन बोलते हैं यार मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा उसको आप लोग तुरंत लिख दो अभी जैसे क्वेश्चन पूछा कि वर्क डन इक्वल टू जीरो किस में होगा एडियाबेटिक में होगा आइसोथर्मल में होगा आइसोबारिक में होगा आइसोकोरिक में होगा किस में होगा यही था तो नीट 2019 में कुछ इसी तरीका का क्वेश्चन पूछा गया था ना तो छोटे छोटे क्वेश्चन को ना इंपॉर्टेंट दिया करो और अभी लिखा करो कि कुछ भी पूछूंगा आगे चल करके पूरे रिविजन में तो उस चीज़ को लिखा करना ट्रेपीजियम का रहेगा तो वर्क डन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू हाफ इंटू पी वन प्लस पी टू प्रेशर है इंटू वी टू माइनस वी वन इफ डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी देन वी फाइनल माइनस वी फाइनल इज ग्रेटर देन वी इनिशियल तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा ठीक है इफ द सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स देन वी फाइनल इज लेस देन वी इनिशियल डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू नेगेटिव एग्जाम्पल देख लो लेस एरिया ए टू का एरिया ज़्यादा है ए वन से तो डब्ल्यू टू इज ग्रेटर देन डब्ल्यू वन वर्क डन इज पॉजिटिव इफ द साइकिल इज क्लॉक वाइज अदरवाइज नेगेटिव ठीक है नेगेटिव हो जाएगा अगर वर्क डन अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो नेगेटिव और वर्क डन अगर क्लॉकवाइज हुआ तो हम लोगों का पॉजिटिव क्लॉकवाइज तो समझ में आता है दिस इज क्लॉकवाइज और दिस इज एंटी क्लॉकवाइज ठीक है तो क्लॉकवाइज तो वर्क डन पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज तो वर्क डन नेगेटिव साइकिल में होता है ठीक है साइकिल दे देगा ऐसे दे देगा ऐसे स्क्वायर बना दिया और ऐसे करके दे देगा घुमा के और इसमें वर्क डन पूछ लेगा या ऐसे दे देगा वर्क डन पूछ लेगा तो साइकिल याद रखना मे भी ट्रायंगल दे दे वो ठीक है कुछ भी दे सकता है तो साइकिल याद रखना यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल वर्क डन इक्वल टू हाफ इंटू वी टू माइनस वी वन इंटू पी टू माइनस पी वन वर्क डन इक्वल टू ए बी सी डी एरिया निकाल दो वर्क डन इक्वल टू अगर सर्कल दे दो तो पाई बाई फोर इंटू पी टू माइनस पी वन इंटू वी टू माइनस वी वन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि एनर्जी इक्वल टू हीट इक्वल टू एनर्जी प्लस वर्क डन ठीक है तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू एक क्वेश्चन पूछ सकता है फर्स्ट लॉ पे लिखते चलो यार जितना बता रहा हूँ ना उसे बस मार्क कर लो ना नहीं पूछेगा नहीं पूछेगा इससे ज़्यादा क्या होगा पर पढ़ लेने में क्या जा रहा ऐसे भी पढ़ना वैसे भी पढ़ना तो क्वेश्चन पॉइंट नंबर 11 को मार्क करो नीट 2020 के लिए ठीक है वहाँ पे सिर्फ धीरे से लिख दो फर्स्ट लॉ पे क्वेश्चन बना लो 20-25 अब देखो यहाँ पे समझो डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू डेल्टा यू कब पॉजिटिव होंगे कब नेगेटिव होंगे और कब हम लोगों को क्या लिखना अगर वर्क डन टू द सिस्टम या हीट हम लोगों का सिस्टम में हीट डालते हैं तो डेल्टा क्यू इक्वल टू पॉजिटिव ठीक है क्लियर है अगर एक्सपेंशन होता है तो वर्क डन पॉजिटिव कंप्रेशन होता है तो नेगेटिव अगर सिस्टम से हम लोग हीट निकालते हैं तो डेल्टा क्यू नेगेटिव टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेल्टा यू हम लोगों का पॉजिटिव होगा टेम्परेचर घटाएंगे तो डेल्टा यू नेगेटिव होगा अब आता है पहला प्रोसेस आइसोबारिक प्रोसेस इक्वेशन ऑफ स्टेट प्रेशर कांस्टेंट होता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर वी वन बाई टी वन इक्वल टू वी टू बाई टी टू टेम्परेचर अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं सो डेल्टा यू पॉजिटिव वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन पॉजिटिव हीट फ्लोज इन टू दिस सिस्टम सो डेल्टा क्यू इज पॉजिटिव दिस इज फॉर आइसोबारिक एक्सपेंशन अगर एक्सपेंशन हीटिंग होता है तब अगर कूलिंग होता है तो क्या होगा टेम्परेचर घटेगा तो डेल्टा यू नेगेटिव वॉल्यूम घटेगा तो वर्क डन नेगेटिव हीट हम लोगों का बाहर निकलेगा सिस्टम से बाहर निकलेगा तो नेगेटिव आ जाएगा हीट डेल्टा क्यू तो प्लस माइनस में ही कन्फ्यूजन होगा अगर फर्स्ट लॉ से क्वेश्चन पूछेगा तो वो आप लोगों को कहाँ डेल्टा यू क्यू डब्ल्यू को पॉजिटिव देना है कि नेगेटिव लगाना है यही कन्फ्यूजन होता है बाकी कुछ कन्फ्यूजन नहीं होता इस चीज़ को याद रखना नीट 2017 18 16 15 का पेपर उठाओ और उसे बना करके देख लो आप लोगों को मिल जाएगा जितना कुछ बताया हर एक पॉइंट क्वेश्चन है ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो जहाँ से आपको क्वेश्चन ना पूछा हो रिसेंटली बात कर रहा हूँ ठीक है अभी रिसेंट
स्पेसिफिक हीट सीपी इक्वल टू एफ बाई टू प्लस वन इंटू आर, ठीक है, सीपी इक्वल टू एफ बाई टू प्लस वन इंटू आर, और सीपी सीवी और आर में मैंने रिलेशन बता दिया कि सीपी प्लस सीवी इक्वल टू आर होता है या सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। ये क्वेश्चन है, इसको अभी लिखो कि सीपी प्लस सीवी इक्वल टू आर या सीवी माइनस सीपी इक्वल टू आर, ठीक है। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर इसमें लगाए तो के इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी इक्वल टू जीरो एज पी इक्वल टू जीरो। अब वर्क डन इक्वल टू पी इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इक्वल टू म्यू इंटू आर इंटू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इक्वल टू म्यू इंटू आर इंटू डेल्टा टी। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो डेल्टा यू इक्वल टू म्यू इंटू सी वी इंटू डेल्टा टी। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, फॉर नीट एग्जाम। इक्वल टू म्यू इंटू आर डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन इंटू डेल्टा टी, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू म्यू इंटू आर इंटू डेल्टा टी, और ये याद रखना डेल्टा क्यू पी इक्वल टू म्यू इंटू सी पी इंटू डेल्टा टी। ये सारे फॉर्मूले हैं और सारे फॉर्मूले आप लोगों को अब भी समझ में आना चाहिए क्योंकि दिसंबर का मंथ आने वाला, और सी पी सी वी म्यू क्यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड मैंने जितना भी नाम लिया, ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको कि ये क्या बोले जा रहे हैं, ठीक है। सारा कुछ समझ में आना चाहिए आप लोगों को, इतना तो यार आप लोगों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और करना भी चाहिए। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एग्ज़ाम। अच्छे से पढ़ना, 10-10 मिनट में मैं ऐसे क्लियर कर दूंगा आप लोगों का फिजिक्स। आइसोबारिक हो गया, नेक्स्ट में पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स होगा, उसके बाद हीट ट्रांसफर, उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। पहले एक मुझे ख़त्म करने दो, जो ख़त्म करूंगा मैं उसमें आप लोगों का 7 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, 7 to 6 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अभी जितना मैं ख़त्म करूंगा एक टॉपिक उठा करके, 45 में से 6-7 क्वेश्चन महत्व रखता है, ठीक है। जितना बड़ा बड़ा चैप्टर है, अच्छा अच्छा चीज़ें जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, वो ख़त्म करते चलूँगा, फिर उठाऊँगा सेमी कंडक्टर। इसके बाद जो आएगा वो सेमी कंडक्टर एंड मॉडर्न फिजिक्स का चीज़ें होगी, जो कि आप लोगों का 6-7 क्वेश्चन, सेमी कंडक्टर अकेले 3-2 क्वेश्चन ले जाएगा, ठीक ना, 3-2 क्वेश्चन सेमी कंडक्टर ले जाएगा, तो टोटल 6 क्वेश्चन आप लोगों का बनता है, 5-6 क्वेश्चन, ठीक ना। मॉडर्न फिजिक्स में भी कभी कभी 7 भी चला जाता है, वो तो 7-7-14 या 6-6-12 क्वेश्चन अगर 45 में से निकाल दीजिएगा तो बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग फटाफट करते चलेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, और खूब जान लगा दो इस बार, इस बार लास्ट है और लास्ट समझ के चलो और जान लगा दो। इस बार हो गया तो लाइफ सेट हो जाएगा आपका, बस इतना बता दे रहा हूँ मैं। किसी 5-स्टार होटल में बैठे रहिएगा, ठीक है। ये लग रहा आपको लाइब्रेरी है, मैं दिखाता हूँ ये कैसा है, ठीक है, ये देखो। एक्चुअली ऐसा लाइब्रेरी इंडिया में आप लोगों को देखने नहीं मिलेगा, दिस इज चाइनीज, ठीक ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप लोग कर सकते हो यार, नीट कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, एम्स के लिए बोलते हो तो एम्स के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ता, ठीक है, पर नीट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपसे होगा मीन्स होगा, और बहुत मेहनत किया आपने, अपने ऊपर बस भरोसा रखना, किसी के ऊपर नहीं, अपने ऊपर भरोसा रखो। और अच्छा आ रहा है आप लोगों का AIATS में भी, मार्क्स बहुत ही अच्छा खासा आ रहा है। AITS 2 मेजर देना स्टार्ट कर दूँ अगर आ गया तो, प्रीवियस ईयर के पेपर एम्स के लगाने स्टार्ट कर दूँ। कैसे लगाना बताता हूँ, एलन का ना टेस्ट आप लोग जाओ खोलो, उसमें आप लोग देखो, सर्च करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एम्स का 2018-17-19 जो भी पेपर है उसे उठाओ, और सिर्फ MCQ जो MCQ है ना उसको सॉल्व करो, ठीक है, पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ। और बायोमेंटर्स का बताया था मैंने आप लोग को लिए प्रैक्टिस के लिए, वो भी आप लोग दे सकते हो, और बायोलॉजी का अच्छा होता, ठीक है। बाकी मेरे क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही करना है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।